बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारा आज का जो ये लेक्चर है ये सिविल प्रैक्टिस के हवाले से है। सिविल और क्रिमिनल, आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए? एक सिंगल लफ्ज़ में अगर मैं बयान करूं, अगर आपकी जुबान यानी कि आप फिलबदी जवाब दे सकते हैं और आप एक अच्छे स्पीकर हैं, आप मौके की नज़ाकत के मुताबिक अच्छी बात कर सकते हैं, आप जुबान के तेज हैं, क्रिमिनल प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि तो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिमिनल में जुबान बोलती है, जुबान चलती है, और सिविल में डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। सिविल में जुबान से ज्यादा जो चीज अफेक्ट करती है नीचे से ऊपर तक, वो क्या होते हैं? वो डॉक्यूमेंट। क्रिमिनल में जो रिलीफ्स होते हैं वो उधर ही होते हैं, या मिल जाता है या नहीं मिलता। सिविल में हमेशा फैसले बाद में कागजात को देख कर किए जाते हैं। जब हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जनरली मेरी प्रैक्टिस ज्यादातर हाई कोर्ट की है, जो हमारे पास केसेस आते हैं अपील की सूरत में, तबाही निकाली होती है क्लाइंट्स की। हमारे वकला हजरात ने ऐसे ऐसे ब्लंडर्स किए होते हैं अपने ड्राफ्टिंग के अंदर कि एक अच्छे खासे केस का बेड़ा गर्क कर दिया जाए। सो सिविल की प्रैक्टिस एक स्लो पेस प्रैक्टिस है, और सिविल में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आज कोई भी केस स्टार्ट कर लें, जब तक आप का वो केस उस स्टेज पे पहुंचेगा जहां पर एक अच्छे वकील की जरूरत होती है, तो हम तब तक अच्छे वकील बन चुके होंगे। मैंने एक लेक्चर पिछले दिनों दिया है, हमारे अदालती निजाम का जनाजा है, जरा धूमधाम से निकले। एक केस का अहवाल बयान किया जो 300 पेशियों पे हुआ, 100 से ज्यादा उसमें लास्ट मौका, आखिरी कतई आखिरी, हतमी कतई आखिरी, फिर इंग्लिश में चला गया वो बंदा, एब्सल्यूट लास्ट, एब्सल्यूट फाइनल लास्ट अपॉर्चुनिटी, बाकायदा अल्फाज कोट किए हैं, ऑर्डर शीट शेयर्ड है, ये कोई बात वो नहीं है। तो लिहाजा आपने सिविल केस लेते वक्त ये नहीं सोचना कि जनाब क्या और कैसे, कोई भी केस होता ले लें, इसमें जो पहली असली पेशी होती है ना, वो साल दो साल के बाद ही कहीं जाकर होनी है। एक स्टे की छोटी सी डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट होता है, वो हम आपको शुरू में ही सिखा देंगे। सिविल प्रैक्टिस का आगाज करेंगे जनाब। सिविल प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहले, क्योंकि आप डिस्टिंग्विश करें जनाब सिविल और फैमिली को, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फैमिली प्रैक्टिस, वो अलग है। इसकी बात करें सिविल की, सिविल के लिए सबसे पहली किताब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, एक मेजर एक्ट ले लें सिविल का, प्रेफरेबली मैं मुद में क्यों कहता हूँ कि बाकी जितने मेजर एक्ट्स मैंने देखे हैं बिगिनर्स के लिए, ये उनकी निस्बत बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आसानी से समझी जा सकती हैं और सिस्टमेटिक हैं, अप टू डेट भी हैं, और कुछ और भी जो फैक्टर्स थे इनके थोड़ा सा बाइंडिंग और पेपर इतना अच्छा है कि कुछ अर्से ही आपके हाथ में निकाल जाते हैं। जनरली कुछ आप वो ऐसे पब्लिशर्स के ले लें तो हो सकता है कि 3 महीने बाद वो फट जाए, तो फिर उसको कैरी करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। बट इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी इतना बुरा नहीं है, एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट है इसका। तो आपके पास एक सिविल मेजर एक्ट, चाहे वो एम महमूद का है, पीएलजे का है, या किसी का भी है, एक मेजर एक्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सिविल प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कम से कम 5 कंप्लीट फाइल्स ऑफ सिविल केसेस, 5 कंप्लीट फाइल्स ऑफ सिविल केस। इस बार हम भी अपना पैटर्न चेंज कर रहे हैं कि वो जो सिविल केस की मुकम्मल फाइल्स हैं वो आपको दिखाई जाए, तो पहले आप उसकी प्लेसमेंट देखें, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी हम जो फाइल आपको बनाना सिखाते हैं ना, वो इनफैक्ट फाइल इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए होती है दावे की हद तक। अब दावे के बाद क्या हुआ, क्या ईच एंड एवरी टाइम यू विल बी एंगेज एज एन एडवोकेट इन द बिगिनिंग, या कहीं पर दरमियान में भी आपको वकील रखा जा सकता है? रखा जा सकता है। आप अपील करने जा रहे हैं तो आप फाइल पढ़ना ही नहीं जानते, तो आप अपील कैसे करेंगे? द इजिएस्ट वर्क इन सिविल प्रैक्टिस जो आज तक हम सिखाते हैं वो है हाउ टू प्रिपेयर अ फाइल। मैं आपको सिखा देता हूँ, विद इन अ डे सिखा दूंगा,
कल हम उसको क्लोज कर देंगे, हाउ टू प्रिपेयर अ फाइल के टॉपिक को। बट द थिंग इज हाउ टू रीड अ कंप्लीट फाइल, ये सबसे अहम टास्क है। अब क्लाइंट जो होता है ना, वो कुछ और कह रहा होता है और फाइल कुछ और बोल रही होती है। क्लाइंट तो जब भी आता है वो ये कहता है कि जनाब मेरा मामला बिल्कुल 100% दुरुस्त है, सारी ज्यादती ना इंसाफी किसके साथ हुई है, मेरे साथ हुई है। बट ऑन द अदर साइड आप फाइल देखते हैं, फाइल कुछ और बोल रही होती है। तो आपने जब भी डिसाइड करना है, आपने फाइल्स को देख के डिसाइड करना है। तो सिविल में सबसे बड़ी चीज क्या है, फाइल। ड्राफ्टिंग बहुत से भी ज्यादा अहमियत की हमें। सिविल में कौन से अहम केसेस हैं जो दायर किए जा सकते हैं? सबसे ज्यादा जो सिविल के केस हम प्रैक्टिस में देखते हैं वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के होते हैं। आजकल ये सोसाइटीज हैं, प्लाट बेचती हैं, उसके बाद भाग जाती हैं, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कब लगता है, क्यों लगता है, पहले सिर्फ सूट्स की एक लिस्ट बना लेते हैं। आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे, अब वो अगर स्केड्यूल है तो स्केड्यूल दे दें हम, क्योंकि स्केड्यूल में मैंने चीजों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया है, बट हम इंट्रोडक्शन में कुछ चीजों को क्या करेंगे, एक्सपेंड करते चले जाएंगे। सूट फॉर पोजेशन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, सूट फॉर कैंसिलेशन, ये सारे किस कानून के तहत होंगे, सारे के सारे स्पेसिफिक रिलीफ। आज अच्छा सारे के सारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत होंगे। किसके तहत होंगे, सारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यानी कि पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि किस सिचुएशन में क्या सूट फाइल करना है, गलतियां कहां पर हो जाती हैं, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। मोबाइल दिखाइएगा जी, अपना नाम क्या है आपका? हाशिम हाशिम। हाशिम का मोबाइल मेरे पास है भाई, तुम्हारा मोबाइल, ये मोबाइल मेरा है। किसका है, मेरा, और ये मोबाइल भी किसका है, मेरा। ठीक हो गया, मैं दो मोबाइलों पर दावेदार हो गया, इस पर भी दावेदार हो गया, और वो फहीम का मोबाइल किसके पास है अभी, पोजेशन उसके और मैं पास उस पर भी दावेदार हूं, तो भैया मेरा है, और ये चीज आपकी किसके पास है, मैं इस पर भी दावेदार हो गया। क्लाइंट आ गया, सिचुएशन लेके आ गया, मुकदमा दायर करना। पहले तो भैया आपको ये पता हो कि आपको क्या चाहिए, इसकी क्या पोजेशन चाहिए, पोजेशन, क्या उसकी पोजेशन चाहिए, नहीं चाहिए ना, दोनों के लिए सूट क्या हो गया, अलग। इसके लिए अगर आप डेक्लेरेशन लगाए तो मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि पोजीशन डेक्लेरेशन तब है जब आपकी चीज आपके पास हो, कोई और दावा करे, और अगर आपकी चीज किसी और के पास है और आपको चीज चाहिए तो आप पोजेशन लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे, पोजेशन, और आप मियां क्या लगाएंगे, डेक्लेरेशन। ये कब पता चलेगा, जब आपको कमांड होगी किसके ऊपर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। जब तक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे कमांड नहीं होगी तब तक आप ये चीजें नहीं बता सकते। अच्छा अगली चीज जहां पे बड़ी कॉमन गलतियां होती है हमारे लोगों से, कौन कौन सी कॉमन गलती होती है जनाब हमारे लोगों से, वो ये होती है कि उनको पता तक नहीं होता कि दावा कहाँ पे कैसे। अब एक और मैं बात करता हूँ, ये आपका घर है, ये किसका घर है, हाशिम साहब, आप इसके ओनर हैं, आप इसके क्या हैं, और मैं क्या हूं, किराएदार। मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि किराया नहीं देता, तो मैंने सही किया कि गलत, आप आते हैं और जबरदस्ती मुझे यहां से निकाल देते हैं। अब आपने सही किया कि गलत, गलत मैं जाके मुकदमा कर देता हूं, आप जाके फौरन क्या कहेंगे, जी मैं क्या था, मालिक था, और इसने गलत मुझे कराया, नहीं दी, अदालत पूछेगी भाई आपने अगर इसने कराया नहीं तो इसकी जजमेंट फाइल की थी, ऑर्डर क्यों नहीं दी, पहले नहीं की, इसको वापस पोजेशन दे दो। स्टेटस को ठीक, अब उसमें अगली बातें ये आएंगी कि अब आपके पास रेमेडी क्या है, अब आपको कैसे पता चलेगा,
अगर सही तरह प्रैक्टिस को समझना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बाद में आती है, थ्योरी पहले आती है। बात मेरी समझ रहे हैं आप? प्रैक्टिस कब आती है? बाद में। थ्योरी कब आती है? अगर ये जो मैंने आपको चारों सूट दिए हैं ना, अगर आप ये चार सूट को समझना चाहते हैं तो सर हमें टू द पॉइंट समझ आ जाए कि ये है क्या, तो लाजमी तौर पर आपको पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सुनना है, समझना है, और फिर आपका माइंड खुलेगा कि अच्छा यूं, अगली बात बड़ी आसान है, मुकदमा कैसे करना है वो इस तरह करना है जनाब। आपके पास क्लाइंट आ गया, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। क्लाइंट आ गया, क्या हुआ जी? ओ जी मैं एग्रीमेंट किया था जी फलां बंदे ना, फिर क्या हुआ जी? उन्होंने जी पैसे अद्धे दे देते ने, तो अद्धे पैसे नहीं देते जी। फिर उन्होंने जी कब्जा दे देता या कब्जा नहीं देते। कब्जा देता जो हूं जो रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। कब्जा मेरे गोल है और रजिस्ट्री उसके पास। अगर कब्जा आपके पास है और रजिस्ट्री उसके पास है तो अब कौन सा दावा लगेगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अच्छा अच्छा अब अगली बात, कब्जा भी इसके पास है, कब्जा भी इसके उसी के पास, पैसे आपने दिए ना, वो आपको कब्जा दे रहा है और ना वो आपको रजिस्ट्री करवा के दे रहा है, पास कौन सा दावा लगेगा जी? और पोजेशन, और कोई पोजेशन क्यों लगेगा? कब्जा चाहिए जी। और अल्लाह के बंदो, कब्जा सिर्फ एंटाइटल्ड को मिलता है। किसको मिलता है? हकदार को। और हकदार कौन होता है? या तो वो काबिज था, या वो काबिज था और उसको गैर कानूनी तरीके से निकाला गया। समझ आ रही मेरी बात? सेक्शन 9 SRA कहता है कि जी अगर कोई इन पोजेशन, चाहे वो मालिक था नहीं था, बट इन पोजेशन था। क्या था? पोजेशन था और उसको इलीगली डिस्पोजेस किया गया, तो वो पोजेशन ले सकता है। या जो दूसरा बंदा जो पोजेशन में नहीं था, वो अगर एंटाइटल्ड टू पोजेशन है तो पहले वो एंटाइटलशिप साबित करेगा। और अगर आप आके कहें जी देखो जी मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, देखो जी मैं एग्रीमेंट कीता है, तो कानून कहता है दैट एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट क्रिएट एनी राइट ऑफ एंटाइटलशिप। ये केस ला आ गया। अब केस तोड़ने कैसे हैं? किसी ने मुकदमा लगा दिया, ये जहन से निकाल कर फेंक दें जो किसी जाहिल शख्स ने कहा था कि थ्योरी और चीज है प्रैक्टिस और चीज है, ये किसी जाहिल ने कहा था, पर उस जाहिल ने कहा सही था। हाँ, क्योंकि जब उस जाहिल ने कहा था, जब वो जिंदा था, तब थ्योरी और प्रैक्टिस और थी, तब LLB पहले 1 साल का होता था, प्रैक्टिकल आप अदालतों में करते थे, थ्योरी आप पढ़ते थे कॉलेज में, फिर LLB 2 साल का हुआ तब भी जो आखिरी साल के सब्जेक्ट थे वो किधर आते थे? अदालतों में। फिर उस आखिरी साल को उठाकर कहां पे डाला गया? पार्ट 3 में डाला गया। फिर 5 सालों में उसको क्या कर दिया गया? नाउ क्या आप CRPC CPC पढ़ के आते हैं? आते हैं पढ़ के? LLB में पढ़ते हैं? यही तो प्रैक्टिकल है। अब थ्योरी एंड प्रैक्टिस इज नॉट डिफरेंट और सेपरेट थिंग्स, वो एक हो गई है। जब ये स्टेटमेंट दी गई थी उस वक्त ऐसा था जरूर, बट अब ऐसा नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? किसी भी चीज का हल आपको किताब से मिलेगा। वकील होने के नाते आपको लॉ का आना जरूरी नहीं है, बट ये जरूरी है कि आपको पता हो क्या मसले का हल कहां से निकालें। तो जहन को खोलिए, पोजेशन के मामले आ गए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मामले आ गए, उसके बाद आपके डिक्लेरेशन के मामले आ गए, सूट फॉर कैंसिलेशन के मामले आ गए, किसी ने आपके खिलाफ गलत डिग्री हासिल कर ली है, किसी ने आपके खिलाफ गलत कोई डॉक्यूमेंट बना लिया, कोई रजिस्ट्री, किसी ने आपकी जमीन पे कब्जा करके उसकी 2 नंबर तरीके से रजिस्ट्री बना दी है, सूट फॉर कैंसिलेशन आ जाएगा। कोई बंदा आपकी जमीन पर हकदार बन रहा है जबकि आप काबिज भी हैं, मालिक भी हैं, तो डिक्लेरेशन का सूट आ जाएगा। किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो सूट फॉर पोजेशन आ जाएगा। और अगर उसके बाद कोई बंदा अपने एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर रहा तो फिर क्या आएगा? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई बंदा आपको कब्जा भी नहीं दे रहा, आपको कब्जा भी नहीं दे रहा, तो फिर कब्जा पहले नहीं, पहले आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगाकर उससे वो चीज अपने नाम पर लगवा के
एंटाइटल्ड टू पोजेशन बनेंगे, और फिर क्या क्लेम करेंगे? पोजेशन। हाँ ये जरूर है कि आप एक सूट में दोनों चीजें क्लेम कर सकते हैं कि जनाब पहले मेरी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएं और फिर उसके बाद मुझे पोजेशन लेकर ने कोर्ट के पास ये अख्तियार मौजूद होता है। लेकिन ये पता कहाँ से चलेगा? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से। क्योंकि जो पहली चीज है ना कि जब क्लाइंट आपके पास आए तो आपने कहाँ पर क्या करना है, पहली चीज ये। अब आपको ये नहीं पता कि यार मैंने करना क्या है तो आप कुछ नहीं। यहाँ तो पहले सवाल है तो फिर पूछे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्लाइंट आ गया, बात क्लियर होगी कि क्या करना है और क्या। नहीं। सबसे पहले आपको पता नहीं है तो मैंने आपको बताया कि ये जो मामले ये कहाँ पे जाएंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में चले जाएंगे। वहां से आपको आमतौर पर जितने भी मामले वो ये हैं। इसके अलावा अगर कोई और ऐसा मामला जो किसी और लॉ के साथ लिंक है तो फिर हम उस लॉ की तरफ चले जाएंगे, वहां से उसके सारे बेसिक्स देखेंगे। प्रैक्टिस एक ही है, तरीका एक ही है, दावा फाइल करने का तरीकाकार बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। तो अगले स्टेप में मैं आपको अभी बताता हूँ कि दावा कैसे हमने वो बनाना, कैसे। फिर एक ड्राफ्ट भी आपको मैं दिखाता हूँ कि ड्राफ्ट उसका किस तरह का होगा जो सिविल के अंदर होता है, उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं वो समझाता हूँ। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पहले आप वो करेंगे ना। जी कुछ चीज़ आप कोई यहाँ पे पूछना चाहते हो तो पहले पूछें, फिर हम इसको आगे लेकर चलते हैं। जी अच्छा इसको क्या हुआ फिर कि जैसे मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया ना कि डेक्लेरेशन कब लगेगी, डेक्लेरेशन का सूट तब लगेगा जब आप पोजेशन में हैं। पोजेशन कब मिलेगी? जब आप एंटाइटल्ड हैं। एंटाइटलशिप कब मिलेगी? जब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जरिए से खुद को एंटाइटल्ड बनाएंगे। अगर आप खुद को एंटाइटल्ड नहीं बनाएंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। समझ आ गया जनाब सारे का सारा? अब बात है कि हमने दावा कैसे करा। बड़ी आसान तरीन सी चीज है जनाब। जो भी क्लाइंट आपके पास दावा लेकर आया है, सबसे पहले आपने उसका शिनाख्ती कार्ड प्लेंटिफ का, एक से ज्यादा है उनमें से किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, एक का या जितने भी लोग हैं मैक्सिमम कोशिश करें सबके आपके पास आईडी कार्ड आने चाहिए। एज 18 साल से कम है तो तस्वीर आनी चाहिए। आईडी कार्ड नहीं बना हो तो कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, वो आपका दावा दायर करने के लिए एक डॉक्यूमेंट जरूरी है। वो डॉक्यूमेंट आपने ले लिया उससे। उसके बाद अगली चीज, अब आपने इकट्ठे करने हैं फैक्ट्स। अब फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं। फैक्ट उस वक्त इकट्ठे होंगे, दावा उस वक्त ड्राफ्ट होगा जब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो। समझ आ रही? देखिए जो बातें मैं आपको अभी बता रहा हूं, आपको कैसे पता चल रही है कि जनाब डिक्लेरेशन कब लगेगी? जब आपने क्या पढ़ी। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्या चाहिए, कैसे पता चलेगा? जब आप स्पेसिफिक रिलीफ पढ़ेंगे। और स्पेसिफिक रिलीफ आपको ये बताता है कि जनाब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस वक्त लगेगी जब दो लोगों में एक एग्रीमेंट हो। अब सिचुएशन ये है कि दो लोगों में एक एग्रीमेंट हुआ, उनमें से एक परफॉर्म कर चुका है या करने के लिए तैयार है। मिया एक क्या कर चुका है हम कर चुका है या, करने के लिए तैयार और दूसरा परफॉर्म नहीं करना नहीं चाहता। तो जो कर चुका है या करने के लिए तैयार है वो उस दूसरे शख्स के खिलाफ मुकदमा करेगा कि जनाब इसको कहेंगे अपने पार्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करे। करेगा तो इसका मतलब है जब भी आपने दावा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का लगाना तो आपने उस बंदे से पूछना कि भाई जान तुसी अपना रोल अदा किया जी। मिसाल के तौर पर ये बंदा आ गया आपके पास, अभी वाला केस, क्यों आशिम साहब जी बिल्कुल यही केस आ गया। सर जी मेरे दाखले नहीं भेज रहे जी, इन्हें दे खिलाफ दावा ला दो। मियाँ तूने अपनी फीस अदा की है? नहीं नहीं। अच्छा अदा करने के लिए तैयार है? अगर तो है तैयार तो भी बनता है, और अगर तू कर चुका है तो भी बनता है, अगर नहीं तो पहले जाके काम करते फिर होएगा। अपने हाथ साफ करें। ए और बी के एग्रीमेंट हो गया, हो गया। ए और बी के एग्रीमेंट होने के बाद मैं इसको आजकल के जो बहुत ज्यादा केस हम इसको बनाते यही है कि जी क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल हो ये गया कि एक शख्स ने किसी सोसाइटी में प्लाट खरीद लिया है
और अब वो सोसाइटी उसको प्लाट देने के लिए तैयार नहीं नहीं है। वो बंदा आया जी सोसाइटी को प्लाट लेके दियो जी। पहली बात है मियाँ, जो इंस्टॉलमेंट्स आपकी तरफ ड्यू थी क्या आपने दी है? अगर नहीं दी तो जाकर उसको पे करो। और जो लैंड नो तैयार नहीं, क्यों नहीं ने? और जी वो फिर ज्यादा देर हो गई है, किस्ता शार्ट हो गई, तो ना प्लाट की कर दिता कैंसल, कैंसल किस्ता शार्ट हो गया तो प्लाट की कीता कैंसल। अब जब आपने सोसाइटी के रूल्स देखे तो उसमें यह था कि जी 3 किस्ते नहीं देंगे तो प्लाट के हो जाएगा कैंसल। कैंसल और अगर उसमें ये लिख देते हैं कि जी कैंसल होने की सूरत में आपको कोई पैसे वापस कोई नहीं मिलेंगे, ये शर्त गलत है। ठीक हो गया, क्योंकि जब भी कोई ऐसा वाइड एग्रीमेंट ये वाइड एबल हो जाता है जहां पर वो शर्तें पूरी ना हो वो कैंसल होता है ना, तो उसकी कैंसलेशन की सूरत में अगर किसी ने कोई अनड्यू बेनिफिट ड्रॉ किया होता है तो वो बेनिफिट उसको रिटर्न करना पड़ जाता है। वो बेनिफिट उसको क्या करना पड़ जाता है? रिटर्न करना पड़ जाता है। तो यहां पर आप किस तरफ चले जाएंगे कि जनाब फिर वो पैसे वापस, तो पैसे वापस हो सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो ये चीजें सारी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहाँ पे होगी? किस्तें दे रहे हैं, टाइम पे दे रहे हैं, और अब वो किस्त जानबूझकर नहीं ले रहे हैं ताकि इसको ड्रॉप करें, तो आप कहेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, या पैसे लो और रहो, या किस्तों चढ़कर आपका किसी के साथ बयाने के ऊपर हमारा एग्रीमेंट हो जाता है। आमतौर पर हम जितने भी जमीनें खरीदते हैं बड़े सौदे जो होते हैं वो बयाने के ऊपर होते हैं, जी बयाने के ऊपर सौदा हो गया। अब वो बंदा बाद में क्या करता है? मुकर जाता मुक्की मुकर जाता है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, कोई बेहतर और ऐसा काम हो गया, डील में अब वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगाते हैं कि जनाब ये तो जो तुमने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था उसके मुताबिक शर्त है कि उसके मुताबिक मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं। अब अदालत कहती देने के लिए तैयार हो? आप कहते हाँ जी हूँ। अदालत ठीक है, अदालत जमा करा। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में अगर आप ये लिखें कि जी अमाउंट कुछ दिया और कुछ रहता है, अदालत कहती है जी कि आप तो अगर कहते हैं ना कि आप वाकई रेडी टू परफॉर्म हैं तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंगली वो पैसे आपने कहाँ जमा करवाने हैं? अदालत में। अगर जमा करवाएंगे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा होगा, नहीं तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा नहीं होगा। और दावे में ये फिर लिखा जाएगा कि जो प्लेंटिफ है वो अपना पार्ट परफॉर्म कर चुका है, तो परफॉर्म करने के लिए तैयार है। इसके बाद आप जाकर उससे क्या मांगेंगे? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगेंगे। इससे पहले आप दूसरे बंदे से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते। ये पॉइंट क्लियर हो गया जनाब? ठीक अब आपने उसे पूछा कि भैया एग्रीमेंट की कॉपी, अगर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगाना है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमेशा किसी एग्रीमेंट की होती है। है अगर हो गया जी एग्रीमेंट पे कोई नहीं, जबान नहीं है एग्रीमेंट, तो फिर भी जुबानी दावा हो जाता है पर बड़ा कमजोर होता है, हो जाता है पर बड़ा कमजोर। आमतौर पर आपका जो एग्रीमेंट है वो आपने उसमें लगा दिया, तो दूसरी चीज आपने अपने क्लाइंट से क्या मांगी? अगर वो आपके पास दावा इस्तकरार हक या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेकर आया है तो आप उसे क्या लेंगे? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आईडी कार्ड भी ले लिया और क्या ले लिया? एग्रीमेंट भी एग्रीमेंट ले लिया। अब उस एग्रीमेंट में कोई रसीद, कोई डॉक्यूमेंट, कोई नक्शा, कोई फर्द, अगर जमीनों के मामला होंगे उसमें फरदात देनी है, लेनी है, सारा कुछ करना है, तो वो जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी वो सारी सारी आपने क्या करनी है? उसके अंदर शो करनी है। अगर शो करेंगे तो फिर कुछ हो सकता है, शो नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। तो वो आपने उससे लिया, आपने अपना दावा लिखना स्टार्ट किया। मैं भी सिखाता हूँ, दावा लिखा, दावे के साथ एक होता है दावा दीवानी सेट। क्या होता है? दावा दावा दीवानी सेट। किसी भी अदालत में चले जाए और किसी भी अदालत में मौजूद किसी भी फोटो जो शॉप होती है उस पर आप जाके कहेंगे मुझे दावा दीवानी सेट चाहिए, वो 3 फॉर्म आपको दे देगा, दस्तावेजात के मुनहसरा का, दस्तावेजात जो आपने उसके साथ लगाई हैं, और उसके बाद वो आपसे दो मिनट बैठ रहा हूँ, और उसके बाद वो आपको कहेगा कि ये जो दावा है ये आपने डॉक्यूमेंट उसके साथ क्या करने हैं? अटैच। उस पर कुछ सवाल जवाब होते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपने अटैच कर दिया और कौन सा डॉक्यूमेंट आप अटैच करना चाहते हैं, वो किसके साथ अटैच हो जाएगा? दावे के, दावे प्लेंट के साथ।
उसके बाद जितने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप उसमें क्या करेंगे कि रसीदात वगैरह जो भी वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में आएंगे, साथ वकालतनामा। अब क्या आप दावा दायर करेंगे और आपको स्टे मिल जाएगा, ये सबसे अहम बात जो नए बंदे ने सीखनी है। नहीं, दावों पे स्टे नहीं मिलते हो, दावों पे स्टे, दावा तो एडजुडिकेट होगा तो इसका फैसला होना। अगर स्टे चाहिए तो स्टे की दरखास्त देनी पड़ेगी दावे से हटकर अलग। तो जिस दावे में स्टे चाहिए होगा, ऑर्डर 39 रूल 12 की, उसके साथ क्या लग जाएगी? दरखास्त लग जाएगी। ऑर्डर 39 रूल 12 की दरखास्त में आप अदालत को कहेंगे कि जी अगर मुझे ये स्टे ना मिला, जिसको टेम्परेरी इंजंक्शन कहते हैं, तो मुझे नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, लिहाजा इस पार्टी को रोका जाए कि ये जो प्लाट इसने मुझ पर बेचा, ये आगे प्लाट ना बेचे, किसी को तकसीम ना करके दे, किसी को उसका कब्जा ना करके दे। ये सारी बातें आप कहाँ पर लिखते हैं? ये आपकी एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन जैसे आप जाकर देंगे दावे के साथ, तो पहले तो नोटिस होंगे। अगले बंदे को पता चला कि मेरे खिलाफ क्या हो गया है मुकदमा, तो वो तो जगह बेचेगा और भाग जाएगा। इसलिए आप अदालत को जब सिविल सूट फाइल करते हैं, जहां पे आपको स्टे चाहिए होता है, तो वो उसी दिन ही लगवाया जाता है और इंटरिम स्टे उसी दिन ही लिया जाता है कि जनाब जब तक अगली पेशी तक ये बंदा आता नहीं है तब तक मुझे अभी स्टे दें। क्या वो स्टे ले लिए तो काम खत्म? नहीं, फिर आपने वो स्टे लेना होता है। कहाँ से लेना होता है? अदालत के ऑफिस से। उसकी जो है वो कॉपी निकालनी होती है मुसद का, और फिर उस तहसीलदार के ऑफिस में जाना होता है कि जनाब अभी जमीन की बेच नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग गया है? स्टे लग गया। आप स्टे दर्ज करें, जब वो स्टे दर्ज करेगा तो फिर वो जमीन किसी और के साथ बिक नहीं सके। अच्छा, इसमें क्या होता है जनाब? अब ये चीज थोड़ी सी समझ आई। अच्छा, जब कोई चीज हमने खरीदनी या बेचनी होती है ना, उसके लिए होती है फर्दे बै। क्या होती है फर्दे बै? अगर मैं हम इसको स्पेसिफिक कर दें, सिर्फ जमीन जायदाद के साथ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, जमीन को खरीदने और बेचने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? फर्दे बै चाहिए होती है, ठीक है? और फर्दे बैत सिर्फ उस रूप में मिलती है कि अगर किसी जमीन पर कोई स्टे ना लगा हो। तो अगर जमीन पर स्टे लगा हो तो फिर फर्दे बैत नहीं मिलती। जब आप जाकर इस तरह का स्टे जमीन पर जाके दर्ज करवा देते हैं, तो फिर उस जमीन की किसी भी किस्म की कोई फर्द किसी को जारी नहीं होती। और फर्दे बैत जारी होने का मतलब ये होता है कि जनाब इस जमीन के ऊपर किसी किस्म का कोई स्टे नहीं है, कोई और मामला नहीं है, और आप इसको क्या कर सकते हैं? आप इसको बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो जब भी ऐसा कोई मामला हो ना, तो हमने स्टे जाके फौरन दर्ज जरूर करवाना। अगर स्टे दर्ज ना करवाया तो फिर वो उसके आगे जो इंतकाल का प्रोसेस है वो हो सकता है। तो पानी तो अच्छा है क्या? तो फिर उसका क्या हो सकता है? इंतकाल का जो प्रोसेस है वो आगे हो सकता है। तो लिहाजा ये अक्सर वकील के अगर जो नए नए होते हैं ना, स्टे हो तो जाता है, उनको ये नहीं पता होता कि हमने ये लेकर जाकर आगे क्या करना है, इंदराज करवाना, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि सारा मामला उनको उलट हो जाता है। दावा कैसे लिखते हैं जनाब? दावे के क्या उसूल हैं? अब दावा जो है सिविल दावा, जब भी लिखते हैं सबसे ऊपर अदालत का नाम लिखते हैं, और इसके बाद जो चीज लगाते हैं इसके ऊपर आजकल अदालत में लड़ाई चल रही है। टिकट, पहले चलो टिकटें वाले से ना महंगी कर दी। एक दावे के ऊपर जो, ये तो खैर इसके अकॉर्डिंग टू द वैल्यू लगती थी, दरखास्तों के ऊपर पहले 2-2 रुपए की टिकट लगती थी, 500 की पांच भी। सौ और इवन अब वो जो फोटो कापी का भी महंगा कर दिया है कि जो आप 100 रुपए का पर पेज अटेस्टेड कापी मिलेगी आपको, तो ये तो अब क्लाइंट्स के ऊपर, क्योंकि देखे वकील कभी बड़े नंबर नहीं लेगा, इसके ऊपर ऐड करेगा वो क्लाइंट्स के ऊपर ऐड करेगा, सरकार ये नहीं देखती, इंसाफ को और महंगा करती गाड़ी। खैर, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, अदालत को जो भी नाम है वो लिख, अगर आप 2021 में बैठे हैं 2024 में, तो सूट का नंबर लिख दिया, प्लेंटिफ का नाम लिख दिया, और किसका लिख दिया? डिफेंडेंट का। सूट कौन सा है? एक तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है और विद परमानेंट क्या है? इंजंक्शन। क्या आपको परफॉर्मेंस भी चाहिए? और आगे परमानेंट इंजंक्शन किसको रोक दे कि दोबारा ऐसा कोई गलत काम दोबारा बाद में करेगा भी नहीं? तो आप परफॉर्मेंस में वो चीज़ नहीं मांग सकते, तो आपको इंजंक्शन का क्या करना पड़ा? उसमें अलग से जिक्र करना पड़ा अगर आपको वो रिलीफ चाहिए तो। देयर द डिफेंडर्स वर ओनर इन पोजेशन ऑफ 5 मरला,
अब ये ओनर इन पोजेशन, हमने तो कहा कि परफॉर्मेंस कब लगेगी, जब पोजेशन और ये क्या है ओनर इन नहीं, पोजेशन पोजेशन, और म्यूटेशन नंबर फला, डेटेड फला, लेकिन ये कौन है, डिफरेंट प्लेंटिफ नहीं है, कौन है कि ये डिफरेंट मालिक थे, इन्होंने मुझ पर बेचा और डिफरेंट अब ये आगे उसको, अब जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपने देखा ना, तो दावा जहन में रखे, कहानी क्या होनी चाहिए इसमें, फैक्ट्स क्या होने चाहिए, कि कोई चीज खरीदी गई है और अब वो बंदा या तो रजिस्ट्री नहीं दिया ना, या कोई और है समझ, अब देखते जाए, ये पूरी तफसील दिया, जब भी कोई दावा करते हैं ना तो पूरी इसमें हम क्या करते हैं, तफसील जमीन की जरूर देते हैं कि जनाब कितनी है, और उसके खसरा नंबर, खाता नंबर, खतूनी नंबर, और जितने अमाउंट में आपने किए ये जरूर देना होता है, इसके बगैर दावा पूरा नहीं। नहीं होता। अच्छा जनाब, उसके बाद कहते हैं फ्रॉम द प्लेंटिफ ऑन फला, अब 1 लाख उसने क्या किया, रिसीव किया और उसकी रसीद दे दी, और पोजेशन भी क्या कर दी, प्लेंटिफ के हवाले कर दी, कर रजिस्ट्री नहीं है, क्या है, दी पोजेशन, और कुछ पैसे दिए और कुछ पैसे पोजेशन रहते हैं। दैट देयर आफ्टर द डिफेंडेंट प्रोवाइडेड फर्द फॉर सेल ऑफ द अबव सेड प्लॉट इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट बाय रेपर नंबर फला फला, इट इज ऑल्सो पॉइंटेड आउट हेयर दैट वेल प्रोवाइडिंग द अबव सेड फर्द द डिफेंडेंट अगेन रिसीव ₹50। अब अगर कोई डिफेंडेंट ये कहे जी हम तो कभी बेचना ही नहीं चाहते थे, तो फिर फर्द क्यों ऐसे जारी करवाई, क्यों फर्द क्यों जारी करवाई, फर्द जारी बंदा उसी वक्त करवाता है जब उसने जमीन को क्या करना होता है, बीच वैसे फर्द बह जारी कोई में नहीं कर पाता, तो फर्द बह जारी हुई। अच्छा आगे, दैट देयर आफ्टर डिफेंडेंट नंबर टू ऑन फलान डेट मूव्ड एन एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल कमीशन टू सब रजिस्ट्रार विच वाज एक्सेप्टेड ऑन फलान, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज अटैच्ड हियर विद। अब आगे क्या होगा, जनाब उसने दरखास्त रजिस्ट्री वगैरह के लिए दे दी, दैट आफ्टर अप्रूवल ऑफ द एप्लीकेशन फॉर लोकल कमीशन द प्लेंटिफ इन द आस्किंग डिफेंडेंट परचेज द स्टैम्प पेपर वर्थ ₹11,000 एंड रिड्यूस इनटू राइटिंग द सेल डीड फॉर कंप्लीशन ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल। द प्लेंटिफ कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स ऑन देयर पार्ट बट द डिफेंडेंट डिड नॉट टर्न अप टू कंप्लीट द सेल डीड, कि मैंने अपना सारा कुछ कर, कर दिए पैसे भी दे दिए, स्टाम्प पेपर भी ले लिया और सारा कुछ कर दिया। दैट द प्लेंटिफ अप्रोच द डिफेंडेंट एंड रिक्वेस्टेड देम टू कंप्लीट द रजिस्टर्ड सेल डीड बट द डिफेंडेंट स्टार्टेड टू मेक लेम एक्सक्यूज एंड पुट द मैटर ऑन वन प्रीटेक्स्ट टू अनदर, जैसे हम इनके पास जाते रहे लेकिन इन्होंने वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया। दैट द प्लेंटिफ टाइम एंड अगेन अप्रोच टू द डिफेंडेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ सेल डीड बट ऑन ईच ओकेजन दे मेड लेम एक्सक्यूजेस दैट नाउ इट हैज बीन लर्न दैट द डिफेंडेंट आर बार्गेनिंग विद सम बॉडी एल्स फॉर द सेल ऑफ द प्लॉट इन क्वेश्चन अगेंस्ट द हायर प्राइस व्हिच इज वायलेटिव ऑफ द एग्रीमेंट डेटेड फला एंड फला। ठीक हो गया जनाब, ये आप लिखते हैं, अब क्यों इसमें लिखा कि जनाब मुझे खतरा है कि वो बंदा किसी और को जमीन बेच रहा है, इसलिए मैं ये दावा लेकर आया हूँ कि उसको कहें कि वो जमीन किसको बेचे, मुझे मुझे बेचे। दैट ऑन कमिंग टू नो द इंटेंशन ऑफ द डिफेंडेंट द प्लेंटिफ प्रॉम्प्टली अप्रोच टू द डिफेंडेंट विद द रिस्पेक्टेबल्स, तो फिर भी उसने इनकार कर दिया, और साथ में उसका कि क्या करो भाई, ये आपने क्या शो कर दिया, या तो आप अपना पार्ट परफॉर्म कर चुके हो या रेडी टू परफॉर्म। वो कहता जी मैंने 1.5 लाख उसको दिया हुआ, 5.5 लाख की डील है, और 4 लाख लेकर गया कि पैसे लो और मेरी चीज मुझे दे दो दो। दैट इफ द डिफेंडेंट्स आर अलाउड टू एक्ट इन वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल फला, प्लेंटिफ विल सफर इररिपेयरेबल लॉस। दैट बिफोर फाइलिंग द इंसर्ट सूट द प्लेंटिफ अगेन कॉन्टेक्टेड द डिफेंडेंट, भी मैंने आखिरी कोशिश भी करके देखी, दैट द कॉज ऑफ एक्शन कब अक्रूड हुआ, जब एग्रीमेंट हुआ और जब उसने इनकार किया, एग्रीमेंट टू सेल जनाब लाहौर में हुआ, लिहाजा लाहौर की अदालत को क्या है, इख्तियार जुडिशियल हासिल है, और उसके ऊपर जो कोर्ट फीस एड वैलोरम है वो ऑलरेडी, दे चुके अब इसमें 2 दिन बात ये लगा देते हैं, या आप कहते हैं जी अदालत की हिदायत के मुताबिक लगा दी जाएगी, जी। वैसे सबसे बेहतर तरीका ये कि आप प्रैक्टिस करें, तो कोर्ट फीस वगैरह पहले दिन लगाया था कि कल को आपके लिए कोई मसला मसाइल ना। इट इज देयरफॉर रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट अ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मे काइंडली बी पास्ड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट बाय डायरेक्टिंग, ये तो आपने फूड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दिया, लेकिन अब आपको और क्या चाहिए इसके साथ एंटाइटलमेंट जी, एंटाइटलमेंट अब आपने दावा तो कर दिया ना, स्टे चाहिए कि नहीं चाहिए, वो तो किसी और को जमीन बेच रहा है, बेच रहा है, तो इसके साथ आपको हमेशा क्या लगाना पड़ेगा, एक अंडर आर्डर 39 रूल 1 एंड रूल 2 रेड विद सेक्शन 151 CPC, आपको एक दरखास्त देनी है स्टे ऑर्डर, वही बातें तीन होगी कि जनाब मैंने सूट फाइल कर दिया है और जो कंटेंट है वो इंटीग्रल पार्ट समझा जाए, और पिटिशनर का प्रेम ऑफ शे केस है, और मुझे जनाब अगर ये ना किया गया तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लिहाजा इसको इररिपेयरेबल लॉस रोकने के लिए इसको कहा जाए कि ऐसा कोई भी गलत काम
ना, जिस पे अदालत पहले ही दिन क्या करती है, एक स्टे ऑर्डर छोटा सा पास कर देती है और कहती है ठीक है जी इसका स्टे बना दो, और साथ इसके एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट इसकी रिक्वायरमेंट के तौर पे लग जाता है, जो कि क्या होता है वो जरूरी होता है, उसके बगैर आपका मामला नहीं होता। तो और ये सर, देख ये जो स्टे हमने किस बंदे के पास लेके जाना होता है, वो जो आप अब ये जमीन है, जमीन जायदाद का मामला है, तो जमीन जायदाद के मामले में जो आपका स्टे होता है वो आप रेलेवेंट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके पास दर्ज करवाते हैं, ताकि फर्द तो वहां से जारी हो नहीं, और अगर आपने स्टे दर्ज ना करवाया तो फिर फर्दे बह जारी हो जाएगी, उस पर वो बंदा जमीन को बेच सकता है, तो आपने वहीं से तो जाके जब स्टे दर्ज करवा दें तो फिर फर्दे बह जारी नहीं होती, फर्दे बह के बगैर कोई भी जमीन खरीदी और बेची नहीं जा सकती। जी ऑनलाइन को सवाल है आपका। आपने कहा था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एंटाइटलमेंट होना जरूरी है, इस केस के फैक्ट्स के में के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंने कहा था कि एंटाइटलमेंट के लिए लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक, पोजेक्शन के लिए एंटाइटलमेंट होना जरूरी है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोई एग्रीमेंट हो जिसकी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा के एंटाइटल्ड बनना चाहते हैं,